नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 4 जुलाई से सावन की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं भागलपुर के जिले सुल्तानगंज में 4 जुलाई से श्रावणी मेले की तैयारी हो चुकी है। आगे हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन का कहना है कि मेले को लेकर तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। वहां के DM का क्या कहना है, इनकी बातों को हम सुनेंगे। 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला सम्पन्न होगा और इस बार काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है, उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। और पिछले साल से जो हम लोगों ने शुरुआत कराया है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम का, और पिछले साल पूरे माह भर कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ भी जो है जहाज़ घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा और बड़े कलाकार जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से धांधी बेलारी में भी, वहाँ भी शिविर भी रहता है और पूरे माह भर वहाँ भी कार्यक्रम जो है वो पिछले वर्ष हुआ था, इस बार चूंकि 2 महीने का है तो दोनों माह जो है वहाँ धांधी बेलारी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएँ, और बहुत PSD की व्यवस्था हो या जो RCD बांका जो कच्ची कांवड़िया पथ की तैयारी होती है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं बहुत अच्छे वातावरण में। घाट सर खतरनाक बना हुआ है इसको नहीं लिए। वो देखिए, गंगा में क्या है कि पानी तो घटता बढ़ता रहता है और अभी जो है वो बढ़ने का ट्रेंड है और बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में देखें तो पानी कम है, पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके कारण जो सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो जहाँ पर निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कंप्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है, और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीढ़ी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीज़न है भागलपुर का वो लगातार तत्पर है, वो सारी व्यवस्थाएं ससम होती है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के अस्थाई 11 अस्थाई थाने बनते हैं, तो वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। एक इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो पुलिस स्कूलों में रुकती थी, जैसे 16 स्कूलों में पुलिस का वासन होता था और उसके कारण पढ़ाई लिखाई बाधित होती थी, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्कूल में पुलिस का वासन नहीं रहेगा। हम लोग दूसरे भवनों को चिन्हित कर रहे हैं, जैसे पंचायत भवन या नगर का कोई भवन है, और चूँकि इस समय में धर्मशाला नहीं मिलता है पेमेंट बेसिस पे भी, तो हम लोग टेंट पंडाल भी लगा रहे हैं जहाँ पुलिस बल के आवासन की व्यवस्था होगी और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है पुलिस बल मुख्यालय से भी मिल रहा है, होमगार्ड भी मिला है और जिला का जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है उसको डिप्लॉय करके 24 घंटे निगरानी होगी, पैदल गश्ती हो, मोटरसाइकिल में गश्ती रहेगी और जो 4-4 व्हीलर जो होता है उससे जैसे जो नॉर्मल गश्ती होती है, DSP रैंक के कई पदाधिकारियों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के भी कई पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ डिप्यूट किया है, तो ये सब अतिरिक्त व्यवस्थाएँ हैं। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो। रेलवे भी जो है विस्तृत तैयारी कर रहा है, रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से बात भी हुई है। CCTV कैमरा हम लोग पर्याप्त संख्या में लगा रहे हैं और जो कांवड़िया पथ रहेगा उसमें रात्रि के समय संध्या के बाद से ही लाइट की व्यवस्था रहेगी, जनरेटर्स वगैरह डिप्लॉय किया गया है। और एक प्रस्ताव हम लोगों ने मुख्यालय को दिया है कि आगे के वर्षों में जो पुलिस का आगमन होता है, फोर्स का बाहर से आगमन होता है, उसके लिए थाने में ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए ताकि पुलिस बल को रहने में असुविधा नहीं हो और जो ये खर्च जो होता है हर एक वर्ष अस्थाई व्यवस्था करने में, तो उसमें भी जो है बचत हो। तो ये हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, मुख्य सचिव महोदय ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएँ हैं। एक दो अपील है हम लोगों की, लोगों से
एक तो देखिए कि प्लास्टिक का उपयोग इस बार हम लोग वर्जित कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्लास्टिक का प्रयोग जो प्रोहिबिटेड है उसका प्रयोग ना करें, कि ये सभी श्रद्धालुओं से स्थानीय लोगों से अपील भी होगी और हम लोग छापेमारी अभियान भी चलाएंगे। दूसरी चीज़ है कि गंदगी को यत्र तत्र कहीं भी जो फेंक करके जो हम लोग और उसकी जो है शोभा खराब कर देते हैं तो वो ना करें। जहाँ डस्टबिन है, जो निर्धारित स्थान है, वहीं पर जो आप लोगों का कूड़ा कचरा है, चाहे वह स्थानीय लोगों का श्रद्धालुओं का हो, वहीं डंप करना चाहिए। और इस बार नगर परिषद विशेष व्यवस्था कर रहा है कि हम लोगों का जो कूड़ा कचरा निकलेगा लगभग 100% जो उसमें बायोडिग्रेडेबल रहेगा उसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, उसको हम लोग डंपिंग साइट पर ना ले जा करके उसको प्रोसेस करके हम लोग उससे जो सामग्री है वो बनाने का खाद वगैरह, ये प्रयास जो है नगर परिषद कर रहा है। तो ये दो लोग मेरी अपील होगी कि एक तो जो है पॉलीथीन का उपयोग ना करें और दूसरा जो है कूड़ा कचरा कहीं भी ना फेंक दें, और तीसरा जो कि पानी का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है तो ये ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित स्थान है, जो निशान बना हुआ है, जो बैरिकेडिंग है, उसके आगे कोई भी श्रद्धालु या कोई भी स्थानीय लोग नहाने ना जाएं। SDRF वगैरह की टीम हम लोगों की रहती है, लेकिन सुरक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा जो है बचाव है। हम लोगों को, सब लोगों को सुरक्षित तरीके से इस पर्व का आयोजन करना है और 2 महीना जो है ये पर्व चलेगा। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ का DM का क्या कहना है, लाखों श्रद्धालु वहाँ पर शामिल होंगे। एक खबर आपके लिए हमारे संवाददाता अंजनी कुमार कश्यप द्वारा भेजी गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 Nation।